किसी भी खूबसूरत जगह की कोई ना कोई एक खूबी होती है, पर किसी एक ही जगह में अगर सारी खूबियां हो तो उसे लद्दाख कहते हैं। दसवां दिन तो आज है हम यहाँ त्याक्षी में, तो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखो आसपास के नज़ारे कुछ इतने सुंदर हैं, देखो ग्रीनरी कितनी प्यारी है, वाह। एक चीज़ मैं आपको अपडेट देना चाहता था, कल क्या हुआ कि कल हम गए थे इंडो पाक बॉर्डर पे, जहाँ पे आपका लास्ट जहाँ से बॉर्डर दिखता है और जहाँ पे बॉर्डर जो है 1972 में रातों रात डिवाइड हो गया था, मतलब 71 से 72 के बीच में जो अपनी वॉर थी वहाँ हो गया था। बट हम जो लास्ट स्कूल है वो विज़िट नहीं कर पाए, टाइमिंग थी हमारी 6:30 बजे के बाद जो चेक पोस्ट की एंट्री बंद हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, 4:30-5 बजे के आसपास, तो वो नहीं हो पाया। तो बट आप जब भी यहाँ आओ वो ज़रूर कवर करना, उसकी भी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। एनीवेज देखो हम फिर से अगले साल तो आने वाले हैं, बट आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आज जा रहे हैं आगे पैंगोंग, और पैंगोंग का जो रूट यहाँ से है बहुत लंबा है, 225 किलोमीटर्स के आसपास है, तो आज हमें बहुत ज़्यादा मतलब पुश करना है। प्लस सोच रहे थे कि आज हम बीच में जाते हुए नुब्रा में कैमल राइड भी करते हुए चलें, जो 9 से 12 का टाइम है। सब कुछ करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ बैठे हैं अपने सारे लोग और ब्रेकफास्ट हो रहा है अपना, बढ़िया। क्या है ब्रेकफास्ट में? आलू पराठे, चाय है, चाय चाय कॉर्नफ्लेक्स, आलू पराठा, गोभी पराठा, चाय। तो ये रहा अहमद, ने देखो लेह से खरीदा, दिल्ली से, दिखाओ जरा कहाँ से स्टार्ट है ये? दिल्ली से लेकर के मनाली, ये पूरा ऊपर घूम के और ये वापस मनाली आने वाले हैं। तो ये है अपना लद्दाख, रूटी छपी हुई टी शर्ट ले ली, मस्त सेक्सी, मस्त लग रही भाई ये। और फिर आया वो मोड जहाँ से सारा डेटा और रिकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया था वो खो गया, बट ऑल थैंक्स टू विनय भाई, हेमंत भाई, जिनके सारे कैमरा रिकॉर्डिंग और सारे इक्विपमेंट्स मैंने लिए, डेटा कंपाइल किया। हालांकि आपको मोटो व्लॉग्स मेरे हैंडल से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो मैं आगे चल रहा हूँ ये कंटेंट नहीं रखेगा। अब क्योंकि जर्नी शुरू हो ही चुकी थी, मैंने सोचा आप लोगों को श्योक वॉर मेमोरियल के बारे में बता दूं, जो इसी रूट पे पड़ता है जब आप तुरतुक त्याक्षी से वापस आओगे नुब्रा की तरफ, तो मेकिंग ऑफ सियाचिन वॉरियर, जहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक स्टॉप लो और देखो यहाँ पे कि सियाचिन वॉरियर्स किस तरीके से हमारे बने हैं, मतलब फर्स्ट लेवल क्या था, फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड होके, और अब जो फाइनल जो इंडियन आर्मी के पास अब जो प्रॉपर जो हमारी पोशाक है वाइट वाली वो अब है। तो सोचो 1972 और जो उस टाइम पे सियाचिन में जब लड़ाई होती होगी तो हमारे वॉरियर्स कैसे उस टाइम पे इस नॉर्मल से आउटफिट में सर्वाइव करते होंगे। तो लद्दाख में बाइक चलाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन सच्चाई है कि आप चलाने से ज़्यादा रुकते हो, क्योंकि नज़ारे ऐसे हैं। लगाओगे? कोशिश रहेगी। 5 रुपया पक्की बात, 5 रुपया तो ये बोल रहे, तुम बताओ तुम कितनी, एक डुबकी लग जाएगी पक्का? सुन तो नहीं हो गए? सुन हो गए तो देख, अलाउड नहीं है। बाबू 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 राव की तरह ना बाल्टी डाल के खींच के निकाल के, हाँ ये कर सकते हैं, सर पे डालना पड़ेगा, डुबकी नहीं। हाँ यही खा लो। तो ये देखो पकौड़े अभी हम खा रहे हैं और ये रही अपनी मैगी। तो यहाँ लंच करने के बाद हमने सोचा कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कैमल राइड करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हम कैमल राइड तक पहुँचते 12 या 3 के बीच में पहुँचे, जिसकी वजह से शायद हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था कैमल राइड और वो कैंसिल हो गया। और फिर क्या था, फिर हमने सोचा गाड़ी बढ़ाते हैं, कैंप लगाते हैं, पैंगोंग पहुँचते हैं, वहाँ दिन इन्जॉय करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जेरी कैन हमारे भर चुके हैं। यहाँ पे हुआ यह था कि नुब्रा में एक पेट्रोल पंप है जहाँ से आप पेट्रोल डलवा सकते हो, क्योंकि नुब्रा से लेकर के अगर आप पैंगोंग का रूट पूरा मेराक पार करते हुए जाते हो तो आपको सीधा घूम के खारू में पेट्रोल पंप मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सारे जेरी कैन सारे अपने टैंक फुल कर लिए थे, आप भी इंश्योर करना कि ये ज़रूर कर लेना।
तो यहाँ तक नज़ारे बहुत बढ़िया चल रहे थे, मतलब सब कुछ इतना सुंदर था, रोड इतना अच्छा था। और जो पिछले साल वाला रोड मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं उसी को समझते हुए मस्त टारमैक पे चल रहा था, और फिर मिला हमें वो जिसके लिए हर राइडर लद्दाख आता है, ऑफ रोड। तो ये ऑफ रोड जो है, इसकी कहानी है कि लास्ट ईयर भी आपको दिखा होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। अब ये आगम के बाद जो सारा रूट है पैंगोंग का, उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा ब्रॉड बना रहे हैं। तो जितने लोग अभी जा रहे हो आगम से लेकर के, आगम विलेज से लेकर के पैंगोंग तक का रास्ता आपको पूरा ऑफ रोड मिलने वाला है। उसके अलावा पैंगोंग से आगे का रूट भी जो है हानले तक ऑलमोस्ट सारा ऑफ रोड ही है। तो अब सच बताऊँ तो मज़ा तो बहुत आ रहा था। ऑफ रोड रास्ता, जाने की कोई टेंशन नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, नज़ारे इतने अच्छे हैं, और ऑफ रोड ही तो चाहिए था क्योंकि रोड तो दिल्ली में भी है। लेकिन इन सब कशमकश में एक चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई कि ये जो ऑफ रोड रास्ता हम एंजॉय कर रहे हैं, इसने सारा हमारा टाइम जो पैंगोंग पहुँचने का था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो एक छोटी सी हिंट मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, जब भी आप लद्दाख जा रहे हो ऑफलाइन मैप अपना डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आपको रास्ता नेविगेशन पता चलता रहे, क्योंकि वहाँ जाके नेटवर्क तो मिलेगा नहीं। और यही एक चीज़ है इस पर आप रिलाई कर सकते हो। ग्रुप के साथ हो तो आपके लिए ठीक है, अगर ग्रुप के साथ आप नहीं जा रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब दिन के अंधेरे के साथ साथ पैंगोंग पहुँचने की हमारी उम्मीदें भी कम होने लग गई थी। अहमद के पीछे जो आप देख रहे हो लकड़ियाँ बंधी हुई हैं, बीच में आगम विलेज से हमने खरीद ली थी, जो करीब आपको 500 रुपये का एक बंडल बना के देते हैं, वो हमने ले लिया था क्योंकि हमें कैंपिंग करनी थी। बट समय और दूरी, इतना काम चलते चलते जो काम चल रहा है आसपास, वो दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें उम्मीद कम लग रही थी कि हम पहुंच पाएंगे। पर इस सब के बीच में नज़ारे, मतलब जो गोल्डन आवर होता है सनसेट या सनराइज़ का, वो इतना सुंदर देखने मिल रहा था लद्दाख में कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। वो इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब लेफ़्ट साइड में मिट्टी के पहाड़ खड़े हैं, डर भी लग रहा था कि कब वो पहाड़ गिर जाएँ, कब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी दिल ऐसे कर रहा था कि बस अगर ये शाम यहाँ हो रही है तो थोड़ी देर और रुक लेते हैं, कोई बात नहीं, रात का देखा जाएगा। और फिर हुआ वो जिसका सबसे ज़्यादा डर था, अंधेरा और हम। तो इस पॉइंट तक आते आते शरीर और हिम्मत दोनों जवाब दे चुकी थी। थोड़ा सा आगे चले तो हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, हमने उनसे पूछा क्या हम रात यहाँ गुजार सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो रेस्टोरेंट है, आप यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन बस 2 किलोमीटर आगे एक श्योक गांव आ चुका है, तो आप श्योक तक पहुँच चुके हैं, आप वहाँ चले जाइए। और आखिरकार श्योक पहुँच के हमें एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ खाना खाया, उसके बाद वहाँ जो ओनर थे उनसे हमने बात की, बाइक्स बाहर लगा दी, और उन्होंने हमसे कहा कि पीछे आपको एक होम स्टे मिल जाएगा, आप कैंपिंग छोड़िए, आज बहुत अंधेरा हो गया। तो ये देखो आज की जो महफिल है कुछ ऐसी है, ऐसे हम लोग लेटे हुए यहाँ पे चौड़े चौड़े गद्दे, ये देखो मस्त। इस बंदे ने बोला आज हम कैंपिंग नहीं करेंगे, होम स्टे में रुकेंगे, सरस्वती माता बैठी 8:30 तक आराम से कर लो, आपको भी दिक्कत हो जाएगी।
आठ साढ़े आठ तक ब्रेकफास्ट ले लो, आप भी इतना जल्दी मत करो, आराम करो, ठीक है? थैंक यू भैया। फिर से एक बार कैसे कैसे मैं इधर सोऊंगा बीच में और सबको जगाऊंगा सुबह में, इसे जैसे आज सुबह आया था सीटी पे जाके। भाई तुमने क्या कर, सबने अपने अपने कंबल ले लिए, बाकी कंबल यहाँ डाल दिया, मैं तो करूंगा सारे कंबल ऐसे करो उन्हीं पे सो जाओ, ये बोल दिया ना। मैं अपने राइट मुड़ के देखूं शुभम कायबे पढ़ाई हुआ ना, एक मिनट में बता दूंगा, दो मिनट में सीधा कर दूंगा, बिल्कुल सीधा कर दूंगा। Think about me one more time before.